प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मेरे सपनों का भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनाम नायकों पर चयनित निबंधों का अनावरण भी किया। भारत में कोविड 19 टीकाकरण कवरेज अब 153.80 करोड़ से अधिक हो गया है। पिछले 24 घंटों में 85 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक दी गई है। पिछले 24 घंटों में 60,405 मरीज ठीक हुए हैं और अब ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 3,46,30,536 है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की रिकवरी दर अब 96.01% हो गई है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य ज्ञान दर्शन चैनल की टेली व्याख्यान सुविधा का उपयोग करके निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण के जनादेश को प्राप्त करना है। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित बाजार और मांग के अलावा परिवहन में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों के कारण किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इस कमी को दूर करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी और चांगलांग सामुदायिक संसाधन मैनेजमेंट सोसाइटी ने समुदाय आधारित संगठन का गठन किया है। वर्तमान में ये संगठन जिला स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। 14 जनवरी को होने वाले वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए आयुष मंत्रालय की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने वाले इस कार्यक्रम में 75 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 1 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी देखने की उम्मीद है।